हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरा भारत महान। यह है निबंध आपका 9th से लेकर 10th तक 9th 10th 11th 12th हर क्लास में यह आता है। 150 से 200 शब्दों में आपने लिखना होता है। ये 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है, ये सभी क्लासों में आता है। तो देखिए बहुत सिंपल लिखा है, आप इसको समझिएगा। वीर सपूतों की भूमि, जन्म लेते यहाँ भगवान, गर्व से कहेंगे हम मेरा भारत देश महान। देखिए अब मेरा देश भारत एक महान देश है, यह एक कृषि प्रधान देश है। प्राचीन काल में एक समृद्ध देश होने के कारण इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। आपने ये याद रखना है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की भूमि पर अनेक प्रतापी राजाओं ने शासन किया था। ये सभी को पता है कि भारत देश में बहुत सारे राजा लोगों ने शासन किया था। उन्हीं में से एक महाप्रतापी राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जिसे हम भारत माता कहकर पुकारते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि भारत देश किसके वजह से पड़ा, हमारे देश का नाम दुष्यंत के पुत्र भरत, भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत। इसीलिए हम इसे भारत कहकर बुलाते हैं, ठीक है। देश को हमारे भारत विश्व के बड़े देशों में गिना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से 2रा सबसे बड़ा देश है। आपने ये चीज़ भी याद रखनी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से 2रा सबसे बड़ा देश है यह हमारा भारत देश। लगभग 125 करोड़ जनसंख्या वाला भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आपने याद रखना है 125 करोड़ जनसंख्या, ठीक है ना, वाला सबसे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आपको ये पॉइंट भी याद करना होगा। भारत की उत्तर दिशा में विशाल हिमालय, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम दिशा की ओर अरब सागर है। भारत में बसंत, गर्मी, वर्षा, हेमंत, शरद और सर्दी जैसी विभिन्न ऋतुएं अपनी छटा बिखेरती हैं। सभी को पता है भारत में विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती हैं, ऋतुएं पाई जाती हैं। शरद, गरज, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु, कई तरीके की ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत पर अंग्रेजों ने कई सालों तक राज किया, सभी को पता है, परंतु उचित कूटनीति और देशभक्तों के महान बलिदानों के कारण मेरे भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिल गई। सबको याद रखना है कब आज़ादी मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। ओके बच्चों, भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता पर आधारित है। यहाँ अनेक संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर, यहाँ पे मिलजुल कर उन्हें झुल गलती से लिख गया, आप सही कर लेना, कर रहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी को पता है यहाँ पे कई संस्कृतियाँ हमारी पाई जाती हैं, जिसमें सब लोग क्या है, एक दूसरे के कल्चर्स को समझते हैं, यानी कि संस्कृति को समझते हैं, ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपने ये भी याद रखना है, भारत का एक लोकतांत्रिक देश है। यह सभी के लिए एक ही कानून लागू होता है। यहाँ कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, सभी के लिए क्या है, एक ही कानून लागू किया जाता है। भारत राम और श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। आपने ये पॉइंट भी याद रखना है, क्या है, भारत राम और श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। यहाँ पे क्या है, इस भारत देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। वीरता दिखाने में भारत की स्त्रियाँ भी कम नहीं हैं। यहाँ पे कम है, यहाँ पे काम लिखे है, ठीक है ना। तो सभी को पता है भारत की स्त्रियाँ कम थोड़ी हैं, टैलेंट है, तो भारत की स्त्रियों में कूट कूट के भरा है, ठीक है ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने देश की रक्षा हेतु जान गंवा दी।
सभी ने सुना है ना झांसी की रानी के बारे में। मेरे भारत ने लगभग सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। हमारे भारत ने सभी क्षेत्रों में योगदान दिया है। भारत शिक्षा, कला, संस्कृति के क्षेत्र में हमेशा दो कदम आगे रहा है। किसमें? शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में। आज भारत विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर तरक्की कर रहा है। सभी को पता है भारत मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है। यही भी सबने सुना है कि भारत कहां तक पहुंच चुका है? मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है। मिशन चंद्रयान 2 में भारतीय वैज्ञानिकों की योग्यता देखी जा सकती है। कोरोना महामारी में भारत देश जिस बहादुरी से सामना किया था, देखिए जब कोरोना हुआ था तो उस टाइम लोगों ने किस तरीके से कोरोना वायरस से बचने के लिए कितना एक दूसरे का साथ निभाया था। भारत देश ने हमेशा से अपने दम पर कामयाबी हासिल की है। मेरा देश इसी प्रकार उन्नति करता रहे, मैं अपनी जन्मभूमि को दिल से प्रणाम करता हूँ। फिर आप क्या लिखेंगे? सबसे अलग संस्कृति अलग है, इसके शान गर्व से कहो मेरा भारत महान। ये लास्ट में आप लिख देंगे क्या? सबसे अलग संस्कृति अलग है, इसके शान गर्व से कहो मेरा भारत महान। तो ये था आपका निबंध मेरा भारत महान पे। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। और एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ बहुत सारे निबंध इंग्लिश के चैप्टर हो गए, विज्ञान, बायोलॉजी, सामाजिक विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबके आपको टॉपिक मिल जाएंगे। थैंक यू।